بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. मोहतरम हज़रात, सीरत सहाबा में आज हम बात करने जा रहे हैं हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की। हज़रत अम्र बिन आस दौरे जाहिलियत में कुरैश के सरदारों में से थे। आपके वालिद आस बिन वायल बहुत बड़े ताजर थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और तिजारत के मकसद से अक्सर शाम का, यमन का, हबशा का, मिस्र का सफ़र करते थे। हज़रत अम्र रज़ी अल्लाह ताला कुरैश के शहसवारों में से भी थे। कुरैश के लोगों ने उन्हें हबशा भेजा था नजाशी के पास ताकि मुसलमानों को वहाँ से वो निकलवा दें। हज़रत अम्र बिन आस बद्र की लड़ाई में, उहद की लड़ाई में, खंदक की लड़ाई में मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़े थे, लेकिन सुलह हुदैबिया के बाद जब कुरैश के लोग मक्का लौटे तो हज़रत अम्र रज़ी अल्लाह ताला हबशा चले गए और वहाँ सन 8 हिजरी में हज़रत अम्र ने वहाँ के जो बादशाह था नजाशी, जिसका नाम था असहमा, उसके हाथों उन्होंने इस्लाम कबूल किया। फिर एक कश्ती पर सवार होकर के आप मदीना के लिए चले। रास्ते में हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत उस्मान बिन तलहा से मुलाकात हुई और सफ़र सन 8 हिजरी में ये तीनों लोग मदीना पहुँचे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच करके इस्लाम का ऐलान किया। उस मौके पर अल्लाह के नबी इतने खुश हुए कि आपने फ़रमाया, इन मक्का तकद अलकत इलेना अफलाज कबीदिहा, आज मक्का ने अपने जिगर के टुकड़े हमारे हवाले कर दिए। यानी ये तीन बड़ी बड़ी शख्सियत थी, हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत उस्मान बिन तलहा और हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस्लाम कबूल करने के 2-3 महीने के बाद जुमादल उखरा सन 8 हिजरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्र बिन आस को एक बहुत अहम काम सौंपा और उनको एक लश्कर का अमीर बनाया। मदीना से तकरीबन 300 के मील के फासले पर एक जगह थी वादी ज़ातुल क़िरा, वहाँ पे एक कबीला कोज़ा रहता था। ये हज़रत अम्र बिन आस का नानिहाली कबीला था। इस कबीले के लोगों ने मदीना के ऊपर हमला करने की प्लानिंग की थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर लगी तो आपने हज़रत अम्र बिन आस की कमांडशिप में, उनकी क़ियादत में एक लश्कर रवाना किया ताकि दुश्मन को उसके इलाके में जा कर के हमले से रोका जा सके। जब हज़रत अम्र बिन आस अपनी फ़ौज को लेकर के वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक पानी का चश्मा था, उसका नाम था सलासिल। वहाँ उन्होंने पड़ाव डाला तो वहाँ उनको ये महसूस हुआ कि दुश्मन की तादाद हमसे बहुत ज़्यादा है। उनके पास सिर्फ 300 मुजाहिदीन थे और 3 घोड़े थे, तो उन्होंने एक सहाबी को मदीना भेजा कि जाएँ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमक तलब करें, यानी और फ़ौज उनको दी जाए। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू उबैदा इब्ने जर्राह की क़ियादत में मज़ीद 200 मुजाहिदीन को रवाना किया और अल्लाह के नबी ने हज़रत अबू उबैदा से कहा कि देखो, वहाँ जब तुम लोग जाना तो आपस में नज़ा मत करना, इख्तलाफ मत करना। ये जो 200 मुजाहिदीन गए थे इसमें हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर जैसे जलीलुल क़द्र सहाबा भी शामिल थे। जब ये लश्कर अपने मंजिल पर पहुँचा तो अब वहाँ आपस में एक मसला ये पैदा हुआ कि पूरे लश्कर का अमीर कौन होगा, पूरे लश्कर का कमांडर कौन होगा। हज़रत अम्र बिन आस का कहना था कि लश्कर का कमांडर मैं हूँ और बाद में जो 200 लोग आए हैं ये मेरी मदद के लिए, मेरे सपोर्ट के लिए आए हैं, तो कमांडर मैं रहूँगा। हज़रत अबू उबैदा का कहना ये था कि मेरे साथ बड़े बड़े सहाबा की, सीनियर सहाबा की टीम आई है तो लश्कर का कमांडर मुझे होना चाहिए, सारे लश्कर का अमीर मुझे होना चाहिए। इस मसले को लेकर के दोनों में अख्तिलाफ़ हुआ, लेकिन हज़रत अम्र बिन आस बहुत सख्त थे अपने स्टैंड में। उन्होंने कहा, नहीं, मैं पूरे लश्कर का कमांडर हूँ और मेरे ही हिसाब से मामला चलेगा। हज़रत अबू उबैदा इब्ने जर्राह को अल्लाह के रसूल का हुक्म याद आया कि आपने कहा था कि आपस में कोई इख्तलाफ मत करना, चुनांचे उन्होंने
अल्लाह के रसूल की इस वसीयत पर अमल किया और हज़रत अम्र बिन आस को अपना अमीर मान लिया। उसके बाद हज़रत अम्र ने पूरे लश्कर को जहाँ कोज़ा पड़ाव किए हुए थे वहाँ जाकर के अचानक उन्होंने हमला कर दिया। दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं दिया और बहुत से दुश्मन मैदान में मारे गए और बहुत से भाग गए। लेकिन हज़रत अम्र बिन आस ने अपने मुजाहिदीन से कहा कि खबरदार, भागते हुए दुश्मन का पीछा न किया जाए। उस वक्त सख्त सर्दी का मौसम था। सहाबा ने हज़रत अम्र बिन आस से आग जलाने की इजाज़त तलब की, मगर उन्होंने कहा नहीं, आग जलाने की इजाज़त नहीं है। इस पर हज़रत उमर को बहुत गुस्सा आया कि ये अजीब व गरीब किस्म की जो है लिमिटेशन और पाबंदियाँ लगा रहे हैं। लेकिन चूंकि अल्लाह के रसूल की वसीयत थी कि अमीर की इताअत करना, तो सारे लोगों ने हज़रत अम्र बिन आस की बात मानी। बाद में जब ये लश्कर वापस मदीना आया तो हज़रत अम्र बिन आस ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामयाबी की खबर सुनाई तो अल्लाह के रसूल ने बड़े प्यार भरे अंदाज़ में पूछा कि तुमने भागते हुए दुश्मन का पीछा करने से क्यों सहाबा को रोका। तो हज़रत अम्र बिन आस ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझे अंदेशा था कि दुश्मन का पीछा करते हुए कहीं हम दुश्मन के इलाके में अंदर तक ना निकल जाएँ और उनकी बड़ी तादाद फिर हम पर हमला आवर हो जाए और हमारा जानी और माली नुकसान हो जाए। फिर हज़रत अम्र बिन आस से अल्लाह के रसूल ने पूछा कि आपने आग जलाने से क्यों मना किया, सख्त सर्दी का मौसम था। तो हज़रत अम्र बिन आस ने कहा कि अगर हम आग रोशन करते तो दुश्मन पर हमारी तादाद वाज़े हो जाती। हमारी तादाद 500 के आसपास थी, दुश्मन की तादाद ज़्यादा थी, तो दुश्मन पर हमारी तादाद वाज़े हो जाती और वो दोबारा हम पर हमला आवर हो सकते थे। तो ब्लैक आउट की शुरुआत ये सबसे पहले हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने की थी। बड़े अजीम जर्नल थे हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कई अहम मुहिम इनके ज़िम्मे सौंपी थी। ज़िलहिज्जा सन 8 हिजरी में अल्लाह के नबी ने इन्हें ओमान भेजा था। वहाँ के दो बादशाह थे, जैफ़र और अब्बाद, उनके नाम खत दे करके भेजा और उसमें इस्लाम की उनको दावत दी गई थी। उन दोनों ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्र को वहाँ ज़कात और सदका का ज़िम्मेदार बना दिया और हज़रत अम्र बिन आस अल्लाह के नबी की वफ़ात तक तकरीबन 2 साल वहीं पर रहे। फिर अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद जब मुर्तद लोगों के खिलाफ जंग हुई तो हज़रत अबू बकर ने उन जंगों में हज़रत अम्र बिन आस को लश्कर का कमांडर बनाया और फिर 6,000 मुजाहिदीन के साथ फ़लस्तीन को फतह करने के लिए हज़रत अम्र बिन आस को भेजा। फ़लस्तीन की तरफ भेजने के लिए हज़रत अम्र बिन आस को हज़रत उमर ने ख़त लिखा था और ख़त में ये लिखा था कि ऐ अबू अब्दुल्लाह, मैं आपको एक बड़े अहम काम में लगाना चाहता हूँ जो दुनिया और आखिरत दोनों में आपके लिए बेहतर है। तो हज़रत अम्र बिन आस ने जवाब दिया था, अना सहमुम मिन सिहामिल इस्लाम, मैं इस्लाम के तीरों में से एक तीर हूँ। व अन तबाद अल्लाह अर्रामी बिहा, और अल्लाह के बाद उस तीर को चलाने वाले आप हैं। वल जामिउ लहा, और उसके ज़िम्मेदार आप हैं। फंजुर अशद्दहा व अक्शाहा व अफज़लहा, तो आप देख लीजिए कि इस तीर का इस्तेमाल कहाँ बेहतर हो सकता है और जहाँ आपको मुझे भेजना है भेज दीजिए। इससे ये अंदाज़ा होता है कि हज़रत अम्र बिन आस के अंदर कितना डिसिप्लिन था, अमीर की और खलीफे वक्त की इताअत का कितना जज्बा था। हज़रत अम्र बिन आस का सबसे बड़ा जो कारनामा है, उन्होंने मिस्र जैसे शहर को फतह किया। उस वक्त की सिविल सोसाइटी में, उस वक्त की सिविल सोसाइटी में सबसे डेवलप्ड सिटी थी मिस्र। मिस्र जो है वहाँ पे पूरी दुनिया से तजारती काफिले आते थे। वहाँ के समुंदरी साहिल पर दुनिया भर की शिप और दुनिया भर की कश्तियाँ आती थी और दुनिया में उस वक्त सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क जो है वो मिस्र माना जाता था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में कई मरतबा हज़रत अम्र बिन आस ने इजाज़त तलब की कि मिस्र पर हमला किया जाए, मगर हज़रत उमर ने कुछ वजूहात की बुनियाद पर मिस्र की तरफ इस्लामी लश्कर को भेजने का हुक्म नहीं दिया। एक वजह यह थी कि सीरिया का जो इलाका था, सीरिया का नॉर्दर्न एरिया जो था, शिमाल का इलाका जो था, वो अभी फतह नहीं हुआ था। वहाँ अभी मुसलमानों के खिलाफ हमले जारी थे। तो हज़रत अबू उबैदा और खालिद बिन वलीद के ताबड़तोड़ हमलों से वो पूरा इलाका इस्लामी हुकूमत का हिस्सा बना। दूसरी वजह यह थी कि फ़लस्तीन में समुंदर के साहिल पर एक बहुत मज़बूत किला अभी भी दुश्मन के कब्ज़े में था। उसे छोड़ करके मिस्र की तरफ बढ़ना ख़तरे से खाली नहीं था। तो जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस किला को भी फतह कर लिया तो अब मुसलमान इंटरनल जो ख़तरे थे, अंदरूनी ख़तरे, उनसे सेफ हो चुके थे। फिर अरब में एक बहुत ख़तरनाक किस्म का कहत आया। जब कहत ख़त्म हुआ तो फिर फ़लस्तीन में ताउन की बीमारी फैल गई। इन तमाम मुश्किलात से जब छुटकारा मिला तो हज़रत उमर ने हज़रत अम्र बिन आस की क़ियादत में उनको कमांडर बना करके मुजाहिदीन का लश्कर मिस्र रवाना किया। उस वक्त जो है मिस्र पूरी दुनिया के नक्शे पर एक अलग अहमियत थी उसकी और पूरी दुनिया की आलमी वो है इंटरनेशनल मंडी थी मिस्र। तो हज़रत अम्र बिन आस ने
लश्कर इस्लाम की क़यादत की, और वो कदीम रास्ता उन्होंने अपनाया, सहराओं का रास्ता, जिस रास्ते से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के और उनके भाई लोग जो है मिस्र पहुँचे थे, उस रास्ते को उन्होंने अपनाया। और चूंकि हज़रत अब्र बिन आस अपने वालिद के साथ बारह उस रास्ते से तजारत के लिए जा चुके थे, तो रास्ते की पूरी उनको जानकारी थी। जब इस्लामी लश्कर चला और रूमियों को पता चला, तो उन्होंने सहरा के अंदर मुकाबला करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उनको पता था कि मुजाहिदीन सहरा के माहिर हैं और सहरा में हम उनसे नहीं लड़ सकते। हज़रत अम्र बिन आस ने यह हिकमत अपनाई कि वो खुलेआम मुकाबला करने के बजाय जो उनके सेंट्रल प्लेसेस थे, जो मरकज़ी मकामात थे, उनको वो धीरे धीरे फतह कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने वहाँ के बॉर्डर पर एक इलाका था, एक शहर था अलफरमा, उसका उन्होंने मुहासरा किया और दो माह तक उसे घेर करके रखा। उसके बाद वो इस्लामी लश्कर के अंडर में आ गया। उस पर कब्ज़ा करने के बाद सीरिया को जाने वाला जो रास्ता था मिस्र का, वो बिल्कुल सेफ हो गया। उसके बाद हज़रत अम्र बिन आस ने शहर की फसलों को जलाने का, गिराने का हुक्म दे दिया और कश्तियों को जलाने का हुक्म दे दिया, ताकि दुश्मन इस्तेमाल करके उन्हें अब इस्लामी लश्कर को कोई नुकसान न पहुँचा सके। हज़रत अम्र के पास मुजाहिदीन की तादाद बहुत कम थी, उन्होंने अमीरुल मोमिनीन से कमक तलब की, तो हज़रत ज़ुबैर की कमांडरशिप में, उनकी क़यादत में 12,000 मुजाहिदीन मज़ीद पहुँचे और हज़रत अम्र बिन आस के लश्कर में शामिल हो गए, और बड़ी तेज़ी से शहर और इलाके फतह करते हुए इस्लामी फ़ौज ने मिस्र पर कब्ज़ा कर लिया। मिस्र का सबसे मशहूर शहर था उस वक्त इस्कंदरिया, उसको फतह करने के लिए हज़रत अम्र बिन आस ने नाकाबंदी का तरीक़ा इस्तेमाल किया। बाहर से कोई चीज़ अंदर नहीं आ सकती थी, मजबूर होकर के फ़ौज बाहर निकली और घमसान की लड़ाई हुई। मुजाहिदीन उन्हें शिकस्त देते हुए शहर के अंदर दाखिल हुए। मिस्र पर मुकम्मल कब्ज़ा करने के बाद हज़रत अम्र बिन आस ने एक नया शहर बनाया और उस शहर का नक्शा हज़रत ज़ुबैर ने तैयार किया और उस शहर का नाम फुस्तात रखा गया। हज़रत उमर को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने मिस्र का कैपिटल उसी शहर फुस्तात को करार दिया और हज़रत अम्र को मिस्र का गवर्नर नॉमिनेट किया। आपने अपने दौर में मिस्र में बहुत तरक्की के काम किए, नए शहर आबाद किए, नहरें खुदवाईं और खेती बाड़ी के काम को फ़रोग दिया। आप माल को अल्लाह की नेमत समझते थे, इसलिए अच्छा खाना, अच्छा पहनना ये आप पसंद करते थे। आपके तरक्की याफ्ता मंसूबों की वजह से मिस्र बहुत जल्दी बहुत खुशहाल मुल्क बन गया। हज़रत उस्मान गनी के दौर में भी हज़रत अम्र बिन आस मिस्र के गवर्नर थे, मगर कुछ इशूज़ को लेकर के हज़रत उस्मान गनी से आपका इख्तलाफ हो गया। बिलाखिर हज़रत उस्मान गनी ने आपको आपके ओहदे से हटा दिया, लेकिन आपकी काबिलियत और आपकी ज़हानत हर दौर में मुसल्लम रही। जब बलबाइयों ने हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा किया और मदीना के अंदर उन्होंने हज़रत उस्मान गनी का घेराव कर लिया, तो उसके पहले हज़रत उस्मान गनी ने हज़रत अम्र बिन आस को मदीना बुलवाया। हज़रत अम्र बिन आस ने राय दी कि बलबाइयों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए और उनके ख़िलाफ़ जंग की जाए, लेकिन हज़रत उस्मान गनी की नर्म तबीयत जो है उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं हुई, और उसके नतीजे में आपकी दर्दनाक शहादत का वाक़या पेश आया। हज़रत अम्र बिन आस की वफ़ात का जब वक्त आया तो उनका बेटा उनसे कहने लगा कि अब्बा जान, आपको अल्लाह के रसूल ने इतनी सारी बशारत सुनाई है, आप अल्लाह के रसूल के साथ आपने इतनी खिदमत अंजाम दी हैं। तो हज़रत अम्र बिन आस कहने लगे कि सबसे अफजल चीज़ जिसको हम समझते थे वो ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही थी। मेरे बच्चे, मेरी ज़िंदगी में तीन दौर आया था, और एक दौर वो था कि मैं सबसे ज़्यादा नफ़रत करता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मुझे मेरी तमन्ना थी कि अल्लाह के नबी मिल जाए तो मैं उनको कत्ल कर दूँ, अगर मैं उस हाल में मर जाता तो मैं जहन्नम में चला जाता। लेकिन जब इस्लाम की मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में डाली तो मैं अल्लाह के नबी के पास आया और मैंने अल्लाह के नबी से कहा, अय अल्लाह के नबी अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाइए ताकि मैं आपके हाथ पर बैत करूँ। जब अल्लाह के नबी ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, मैंने अपना हाथ खींच लिया। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या बात है? कहा, अय अल्लाह के रसूल, मैं एक शर्त लगाना चाहता हूँ। कहा, क्या शर्त लगाना चाहते हो? कहा कि अय अल्लाह के रसूल, मैं चाहता हूँ मेरे सारे गुनाह माफ़ हो जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अय अम्र, क्या तुमको पता नहीं है कि इस्लाम अपने से पहले के तमाम गुनाहों को ख़त्म कर देता है, और हिजरत अपने से पहले के तमाम गुनाहों को ख़त्म कर देती है, और हज अपने से पहले के तमाम गुनाहों को ख़त्म कर देता है। उसके बाद अल्लाह के नबी के हाथ पर मैंने बैत की, और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा महबूब मुझे कोई हस्ती नहीं थी, मेरी आँखों में, मेरी नज़रों में आपसे ज़्यादा मोहतरम कोई नहीं था, और मैं इतना एहतराम करता था अल्लाह के नबी का कि नज़र भर के मैं अल्लाह के नबी को कभी देखता नहीं था। अगर कोई मुझसे पूछे कि अल्लाह के नबी का हुलिया बयान करो, तो मैं नहीं बयान कर सकता, क्योंकि मैंने नज़र भर के अल्लाह के रसूल का कभी दीदार नहीं किया। अगर मैं उस हाल में मर जाता तो मैं जन्नत में जाता। लेकिन मेरे बच्चे, उसके बाद हमें हुकूमतें दी गई, हमें ओहदे दिए गए, और मैं नहीं जानता कि उन हुकूमतों और उन ओहदों में मेरा क्या हाल रहा। तो जब मैं मर जाऊं
तो मेरे जनाजे में कोई नौहा करने वाली औरत ना हो, और जब मुझे दफन करना तो मेरे ऊपर मिट्टी डालना और फिर मेरी कब्र पर उतनी देर तक खड़े रहना जितनी देर में ऊँट को ज़बह किया जाता है और उसके गोश्त को तकसीम किया जाता है, यहाँ तक कि मैं थोड़ा घुल मिल जाऊँ और मैं देख लूँ कि मैं अल्लाह के फरिश्तों को क्या जवाब देता हूँ। हज़रत आमर बिन आस की वफ़ात एक शव्वाल ईद उल फित्र की रात में सन 93 हिजरी में 88 साल की उम्र में होती है। हज़रत आमर बिन आस का शुमार अरब के सबसे जीनियस लोगों में होता है। कहा जाता है कि अरब में सबसे जीनियस चार लोग हैं, हज़रत मुआविया, हज़रत आमर बिन आस, हज़रत मुग़ीरा इब्न शोबा और हज़रत ज़ियाद। हज़रत क़बीसा इब्न जाबिर कहते हैं कि मैं आमर बिन आस की सोहबत में रहा, मैंने उनसे ज़्यादा अच्छी निगाह वाला इंसान, उनसे बेहतरीन दोस्त और उनसे ज़्यादा अपनी प्राइवेसी को, अपनी तन्हाई को, अपने पब्लिक और लोगों के सामने के जो हालात हैं दोनों के अंदर यकसानियत मैंने उनसे ज़्यादा किसी के अंदर, यानी जैसे सबके सामने थे वैसे तन्हाई में थे। ऐसा नहीं था कि तन्हाई अलग थी, प्राइवेसी अलग थी और पब्लिक प्लेस में अलग थे, जैसी उनकी लोगों के सामने इमेज थी वही तन्हाई में थी। तो ये हज़रत आमर बिन आस हैं, 40 हदीसों के आप रावी हैं। अल्लाह आपसे राज़ी हो, अल्लाह ताला हमें तमाम सहाबे किराम से मोहब्बत करने की और उनकी तरह इस्लाम की खिदमत करने की और उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।